नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आज बात करने वाले हैं पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई जी के बारे में। आप जानते हैं कि ये एक ऐसे जस्टिस रहे हैं जिनका हमारे देश में मिसाल दिया जाता था, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर काफ़ी सालों से कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपनी कुर्सी के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा, और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कितने लोगों की जानें ले ली होंगी। लेकिन इस मुद्दे को जस्टिस, पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने इतने आसानी से, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने डील किया कि देश ही नहीं पूरी दुनिया इनकी तारीफ करने लगे। लेकिन उसके बाद वो मुद्दा था राम मंदिर का। अब जानते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे से उन्होंने इसको संभाला और इनका सोल्यूशन निकाला कि सारे मुसलमान, हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं, उन लोगों ने इस मुद्दे को, इस फैसले को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि हिंदू के पक्ष में या फिर मुस्लिम के पक्ष में ये निर्णय गया, इसलिए सब लोगों ने इस पर सहमति जताई कि ये मुद्दा कम से कम इसका जो है सोल्यूशन तो निकला और अब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। इस वजह से सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन अब रंजन गोगोई, जैसे ही उन्हें जो है राष्ट्रपति से एक ऑफर मिला है और अगर वो राज्यसभा में जाते हैं और इस ऑफर को वो एक्सेप्ट करते हैं, तो वो बुरी तरह से फंस सकते हैं। अब इसकी क्या वजह है, इसकी वजह पे अगर ध्यान देते हैं, इनके कारणों पे ध्यान देते हैं, तो अगर इन पे जो है एक बार सेक्सुअल हरासमेंट का भी जो है इस पे आरोप था। अब बीच में बहुत सारा हल्ला हुआ जब वो जो है रिटायरमेंट से पहले, लेकिन उसके बाद फिर राम मंदिर का जो निर्णय आया, राफेल का जो मुद्दा था वो भी खारिज हो गया। तो अब जितने भी मुद्दे हैं सब उठाए जाएंगे और इन पे आरोप लगते जाएंगे। और हालांकि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी जी ने भी कहा था कि अगर कोई जस्टिस रिटायरमेंट के बाद अगर कोई पद लेता है तो उन पर तरह तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर इस निर्णय को, इस चुनौती को कैसे संभालेंगे, क्योंकि इन तमाम सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारे देश में अगर कोई, ऐसा नहीं है कोई कानून नहीं है कि नहीं बन सकते, लेकिन अगर रंजन गोगोई अगर बन जाते हैं, अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, शपथ ले लेते हैं, तो बवाल हो जाएगा। और जितने भी उन्होंने फैसले लिए हैं, जो दो फैसले एक सबसे अहम रहे हैं कि एक तो राम मंदिर का उन्होंने फैसला किया, तो लोगों की जो उम्मीदें हैं, लोगों के जो विश्वास हैं, लोगों की जो यकीन है न्याय व्यवस्था से, वो ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे जो एक अहम बात है कि पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई की जो इमेज बनी थी, क्योंकि राम मंदिर का जो फैसला आया उसके बाद उनका जो इमेज बना, लोगों का जो उन पर विश्वास बना, ये काफ़ी लाजवाब था और काफ़ी इतिहास में याद रखने वाला था। लेकिन अगर वो शपथ ले लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तो कटघरे में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई को भी लोग छोड़ेंगे नहीं, और लोगों की उम्मीदें कहीं ना कहीं और कम हो जाएंगी। और इन पर जितने भी पिछले रिटायरमेंट से पहले जितने भी इन्होंने निर्णय लिए हैं, उन तमाम निर्णय को जो है कटघरे में रखा जाएगा और इन पे सवाल जो है तीखे सवाल पूछे जाएंगे और इनका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़। नमस्कार।